सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे केमिस्ट्री ऑल अबाउट है क्या और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का हमारा इस यूनिट का जो हमारा यूनिट प्लान रहेगा, इंट्रोडक्शन लेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स मॉलिक्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या है, स्टोइकोमेट्री, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो अब हम आते हैं सबसे पहले इस डेफिनेशन के ऊपर कि केमिस्ट्री क्या है। सो केमिस्ट्री जो है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी में हम क्या स्टडी करेंगे मैटर का? तो हम इसमें मैटर की जो हम स्टडी करते हैं, उससे पहले कि मैटर के बारे में स्टडी क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो मैटर ही है। चाहे आपने अभी थोड़ी देर पहले पानी का गिलास पिया है, तो वो पानी क्या है? मैटर है। अगर आपके आसपास कोई लोहे की वस्तु पड़ी हुई है, तो वो पीस ऑफ आयरन क्या है? वो एक मैटर है। आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है? मैटर है। तो मैटर जो है, इसको हम सिंपली सिंगल लाइन में इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, तो वो हम लिखेंगे द क्वांटिटी कंटेन्ड इज कॉल्ड मैटर। कि किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर जो कुछ भरा हुआ है, जो उसमें क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। अब मैटर का आपको पता लग गया, मैटर के एग्जांपल भी हम मैंने आपको बताए कि गोल्ड है, आयरन है, वाटर है, मिल्क है, चॉकलेट है, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। अब मैटर आपको क्लेरिफाई हो गया। अब मैटर की स्टडी में हम क्या करेंगे? मैटर कि हम कॉम्पोजिशन सीखेंगे कि मैटर किस चीज का बना हुआ है, मैटर जिन पार्टिकल से बना है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कोई मैटर किस चीज से, कौन से पार्टिकल से बना है। और साथ में हम ये भी सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर कि पार्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है। वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और सीखते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशन, कि मैटर को हम किस किस वर्गों में, किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट के, भौतिक अवस्था किसी मैटर की क्या है, उसके बेसिस के ऊपर हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब होता है उसको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करना। अब मैटर आपने इसमें आपको एग्जांपल दिया कि लोहे का टुकड़ा क्या है? मैटर है। तो लोहा, लोहे का टुकड़ा जो है वो क्या है? सॉलिड है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो सॉलिड का मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसकी शेप और उसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद सेकंड फॉर्म जो मैटर की होती है, दैट इज लिक्विड। लिक्विड क्या है? जैसे पानी है, मिल्क है, दे आर फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये अवस्था में इसको हम कहेंगे लिक्विड। अब लिक्विड जो है वो सॉलिड से कैसे डिफरेंट है? लिक्विड भी मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, लेकिन लिक्विड कैसा है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। दूध को अगर आप कप में डालेंगे तो उसकी शेप कप की तरह हो जाएगी, अगर उसको आप गिलास में डालोगे तो उसकी शेप गिलास की तरह हो जाएगी। इसी तरह से मैटर की एक तीसरी फॉर्म
है गैस। अब गैस भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों क्या है? मैटर। में मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, इन चीजों को नहीं है आपके लिए। गैस सॉलिड और लिक्विड से कैसे डिफरेंट है? गैस की शेप फिक्स नहीं है लिक्विड की तरह। गैस को आप फुटबॉल में डालोगे उसकी शेप स्फेरिकल हो गई, उसी गैस को निकाल के बॉटल में डालो उसकी शेप बॉटल की तरह हो गई। लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या है वो फिक्स नहीं है। गैस को आप 1 लीटर की बॉटल में डाल दो उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। अब उसी गैस को आप 2 लीटर की वॉल्यूम इसमें बॉटल में डाल दीजिए तो उसका वो उस पूरे 2 लीटर की बॉटल में फैल जाएगी, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 2 लीटर हो जाएगा। तो गैसेस का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होती हैं। इसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारी, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में पढ़ लिया हमने सॉलिड लिक्विड गैस, और नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं केमिकली? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। अब प्योर सब्सटेंसेस देखिए, जैसे एलिमेंट, प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के हो जाएंगे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? जैसे गोल्ड है, गोल्ड जो है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। तो क्या समझे कि प्योर गोल्ड होगा तो वो एक ही टाइप के एटम से बना होगा। एटम की डेफिनेशन अपने हमने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन आप समझ लो कि प्योर गोल्ड है या प्योर पीस ऑफ आयरन है, ठीक है? तो उसमें आयरन में आयरन के एक तरह के एटम होंगे और गोल्ड में जो है वो गोल्ड के एटम होंगे। गोल्ड और आयरन को कंफ्यूज नहीं करना है आपने। गोल्ड में गोल्ड के एटम होंगे, वो अलग होंगे, वो दिखने में अलग तरह के होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। आयरन जो होगा वो अलग तरह के एटम से बना होगा, लेकिन समझेंगे कि गोल्ड में एक ही तरह के एटम होंगे, आयरन का पीस है तो उसमें दूसरी तरह का एटम होंगे, लेकिन वो सारे एटम्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे। फिर दूसरी जो आप क्लास देख पा रहे हैं प्योर सब्सटेंस की, वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है वो, जैसे कि हमने बात छेड़ी दी है एटम की, कंपाउंड्स बनते हैं एटम को जोड़ने से। जैसे कि वाटर क्या है? कंपाउंड है। वाटर के अंदर दो तरह के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर, प्योर वाटर जो है उसमें केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल होंगे, H2O, और कुछ नहीं होगा उसमें। कंपाउंड को हम दो भागों में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए, ये मीथेन है, CH4 आपने नाम सुना है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड है, वो क्या है? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दूसरी तरफ मैटर को हम मिक्सचर में भी डिवाइड कर सकते हैं। मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब शुगर का सोल्यूशन बना लीजिए, वो एक ड्रॉप कोई लेंगे आप, वो भी उतनी मीठी होगी, दूसरी ड्रॉप लेंगे वो भी उतनी मीठी होगी। तो शुगर का सोल्यूशन कैसा होगा? होमोजीनियस, और दूसरे हमारा जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मान लो कि आपने वाटर में थोड़ी सी क्ले डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो उसमें दो फेज आपको अलग अलग दिखेंगे, मिट्टी अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा। या आपने ऑयल थोड़ा सा पानी में गिर गया तो उसमें ऑयल ड्रॉप्स अलग दिखते हैं, वाटर ड्रॉप वाटर अलग दिखता है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो
आज के इस चैप्टर में इतना ही। इसमें हमने सीखा कि मैटर क्या है और मैटर की ही स्टडी जो है वो है केमिस्ट्री। मैटर को किस किस टाइप में, किन किन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकली, दो टाइप की क्लासिफिकेशन हमने सीखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।